हरियाणा के परिवहन मंत्री किशन लाल पवार द्वारा हरियाणा रोडवेज की बसों को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं। हरियाणा सरकार भी हरियाणा रोडवेज की बसों के सफर को सुहाना सफर बताते हुए नहीं थक रही, लेकिन हकीकत बयानों से बिल्कुल परे है। हरियाणा रोडवेज विभाग के जीपो हिसार में बसों में टायर ना होने के कारण लगभग 3 दर्जन के आसपास बसें रूट पर नहीं चल पा रही या फिर रूट पर चलते चलते रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। हरियाणा परिवहन के जीपो हिसार में लगभग 35 बसों में टायर ना होने के कारण हर रोज यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, इनमें से अधिकतर बसें वह हैं जो सुबह के समय पर रूट पर चलती थी, जिसमें से अधिकतर छात्र छात्राएं स्कूल और कॉलेजों में पहुंचते थे। रोडवेज हिसार के जीपो में बसों में टायर ना होने पर अपने आप में सरकार और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे यह भी जाहिर हो रहा है कि हरियाणा में किस प्रकार का विकास हो रहा है और परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा किस प्रकार की सहूलियत यात्रियों को दी जा रही है। हिसार डिपो में 35 के लगभग बसों में टायर ना होने के कारण छात्र छात्राओं को प्रतिदिन प्राइवेट वाहनों में चढ़कर अपने संस्थानों तक जाना पड़ता है। वहीं कई बार तो बहुत देरी हो जाने के कारण स्कूल व कॉलेज छूट भी जाते हैं। लड़कियों के लिए स्पेशल बसें अब तक नहीं चल पा रही क्योंकि उनमें टायर नहीं है। टायर ना होने के कारण वहीं छात्राएं अब स्कूलों में देरी से पहुंचती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना टायर पंचर हो चुका है। हिसार डिपो में बसों में बड़ी संख्या में टायरों की कमी के कारण रूट पर बसों की बड़ी कमी नजर आने लगी है। यही नहीं, बीच रास्ते में भी टायर फटने की घटना हर रोज सामने आने लगी है। सोशल मीडिया पर जमकर इस प्रकार के वीडियो भेजे जा रहे हैं जिसमें चलती गाड़ियों में टायर फटने से यात्रियों को चोटें तक आई हैं, लेकिन प्रशासन है कि इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने को तैयार ही नहीं है। हरियाणा परिवहन विभाग के जीपो हिसार में जब बस ना आने की स्थिति के बारे में जाना गया तो वहां पर उपस्थित कर्मचारी ने फोन पर बताया कि हिसार डिपो में लगभग 35 बसों के टायर कमजोर हो चुके हैं, जिनकी वजह से वह रूट पर चलने लायक नहीं है। कर्मचारी ने यह भी बताया कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को बताया जा चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार और अधिकारी हरियाणा रोडवेज की बसों में टायर डालने में भी सक्षम नहीं है। चोट की तय लागी किस तरह चोट लागी? बस चल रही जी, एकदम फेर पार्टी है जी, सारी सवारी बैठी है गाड़ी वर्कशॉप में आ रही है। इस गाड़ी का टेर फूट के सवारी के चोट लागी, इसमें गलती ड्राइवर ने कोई गलती करी है क्या? भाई जवाबदारी है या गाड़ी यार, इसने ये आउट करन लाग रहे हैं इंगा और देखो छोटू गाड़ी कित ले गए भाई उचाना गाड़ी का फिटनेस दे दिया तेन है गाड़ी का टेर दे कुकर है। अब उस गाड़ी का मैं सवारी का पंजा कट गया सवारी मेरे साथ है, वो हॉस्पिटल के अंदर है। बसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है जी, सुबह से यहाँ खड़ा हूँ अभी तक कोई बस ही नहीं आ रही है। एक दो आई है वो जो लंबे रूट की हुई है जो दाम है वो जाना वो तो आई नहीं है, तो बता रहे हैं तो मतलब कोई टैक्स की वजह से नहीं आ रही है। क्या प्रॉब्लम है? प्रभाव थोड़ा हसमा दानिश का मतलब भी उसमें। आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है आपको? शहर से आए थे और उकलाना जाना। तो यहाँ उकलाना बस स्टैंड पर कितनी देर से बैठे हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से कोई बस नहीं आई? कोई नहीं आई। आपके साथ बच्चे भी हैं? तो दिक्कत हो रही है आपको सुबह से यहाँ बैठे? तो है, इधर ही बच्चे परेशान हो रहे बैठे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।